गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मैसूर अंडर हैदर अली। एज वी ऑल नो, इन डेक्कन इंडिया और वी मे से इन सदर्न इंडिया देयर वर थ्री पार्टीज एट पावर। वन वाज मराठास, अनदर वाज निजाम एंड द नेक्स्ट वन वाज हैदर अली। हाउ दीज थ्री पावर्स they tried to establish control over southern India, and how Britishers separated them, shattered them, and finally took over the charge over in southern India. So first of all, how Mysore was formed, how Hyder Ali came into power, all these things are there, we are going to discuss. See, slide number 1, I have given you the topic Mysore under Hyder Ali. In this, we are going to discuss these topics which I have given as contents. Bacho, is slide mein hum log jo hai, is pure topic mein jo hai, hum log 3-4 points discuss karenge. Establishment of Wadiyar dynasty in Mysore. मैसूर के अंदर किस तरह से वडियार वंश जो है या वुडियार वंश की स्थापना हुई, फिर रोल ऑफ मिनिस्टर्स, जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं दो, नंजराज और देवराज, उनका रोल क्या रहा, उसके बाद राइज ऑफ हैदर अली, हैदर अली का राइज किस तरह से था, और रिलेशनशिप बिटवीन निज़ाम मराठाज एंड हैदर अली, तो किस तरह से निज़ाम मराठा और हैदर अली के बीच में जो संबंध थे उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको मैंने स्लाइड नंबर 2 में मैप दिया है उस समय का जो डोमिनियंस हैं निज़ाम के। देखिए, आपको ऊपर दिख रहा है निज़ाम, निज़ाम का पूरा क्षेत्र है, और निज़ाम के बाद है नीचे मैसूर। मैसूर जो है उसकी स्थापना, माना कि वडियार वंश वहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय, लेकिन मैसूर की स्थापना विजयनगर एम्पायर के साथ साथ ही थी। कर्नाटक, इधर देखिए कर्नाटक दिया हुआ है, कर्नाटक सरकार, ठीक है। तो आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैसूर कोई छोटा सा प्रदेश नहीं था। मैसूर के नीचे ट्रावनकोर है, निजाम्स डोमिनियन। अब निज़ाम भी एक बड़ी शक्ति है और ट्रावनकोर भी एक बड़ी शक्ति है, निज़ाम के साथ साथ मैसूर भी एक बड़ी शक्ति है। इन शक्तियों को अपनी राज्य को बनाए रखने के लिए जो वो है, कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार उनको उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको देखना पड़ेगा आपको। ये मैसूर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मैसूर का क्षेत्र है। जो मैसूर है इसकी स्थापना कैसे हुई है, देखिए विजयनगर एम्पायर, जब दिल्ली सल्तनत का काल है और मुगल साम्राज्य का काल है, उस समय हमारे यहाँ साउथ के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसे कहते हैं विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। उसमें सबसे जो आखिरी उसका वंश था अरविदु वंश, उसके जो लास्ट रूलर हैं वेंकट दित्य के समय से ही विजयनगर एम्पायर का विघटन शुरू हो गया, और जो मैसूर जो राज्य है वो एक छोटे से सूबे से निकल के पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर देता है, और 1612 में वडियार वंश जो है उसकी स्थापना मैसूर में हिंदू राजाओं के रूप में कर दी जाती है। तो इस तरह से जो मैसूर है, मैसूर के बाद आप देखिए मैसूर की जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो मैसूर की स्थापना हुई वो वडियार वंश इस पे रूल करता है 1704 तक एक तरह से, और 1704 में जो चिक्का देवराज वडियार जो हैं इसके समय में औरंगज़ेब की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है।
तब औरंगजेब ने क्या किया, मराठों को मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार दे दिया कि मराठे जाएं और वहाँ से चौथ वसूली, चौथ कितना होता है 1/4, 1/4 जो है उसको दे दिया जाता है। चिक्का देवराज कृष्णराज जो हैं, चिक्का देव कृष्णराज जो वडियर राजा हैं, वो केवल नाम मात्र का शासक रह जाता है। इसमें मैंने देवराज लिख दिया है, कृष्णराज है, यह नाम मात्र का शासक रह जाता है और शासन की समस्त शक्ति जो है वो उसके दो मिनिस्टर्स हैं देवराज और नंदराज, इनके हाथों में आ जाती है। ये दोनों भाई हैं, है ना। और नंदराज जो है ये आगे जाके सर्व सर्वा बन जाता है। इन दोनों मंत्रियों के समय में ही, इन्हीं के काल में ही हैदर अली का भी प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। और 1761 में जो हैदर अली है वो कर लेता है, सत्ता हथिया लेता है अपने। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ हैदर अली, है ना। जो इंट्रोडक्शन ऑफ हैदर अली में आपको हैदर अली किस प्रकार से उसकी पूरी अर्ली लाइफ और किस प्रकार से उसने अपना जीवन जिया है, तो देखिए 1721 में बुदीकोट में, 1721 में बुदीकोट के अंदर हैदर अली का जन्म होता है। और इसके पिता हैं फतेह मोहम्मद जो वहाँ के किलेदार हैं, और माता है लालबाई। और इनकी जब विवाह होता है तो इनके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। हैदर अली जो है उसने जब वो 6 साल का था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली को फिर मैसूर की सेना में नौकरी मिल गई। हैदर अली बहुत ही असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति था। ही वॉज वेरी डिप्लोमैटिक एंड वेरी ब्रिलियंट। सो व्हाट हैपन्ड कि जब उसने एक सोल्जर की तरह, एक सेना में एक सैनिक की तरह जब उसकी भर्ती हुई तो उसने अपनी युद्ध शैली और कुशलता से जो नंजराज है उसको अपने फेवर में कर लिया और वो डिंडीगुल का जो किला है उसका फौजदार बना दिया गया, फौजदार ऑफ डिंडीगुल बन गया। ही सेट अप एन आर्सेनल एट डिंडीगुल विद फ्रेंच हेल्प। अब वो किलेदार तो बन गया है वहाँ का और उसको ये समझ में आ गया है कि जो कुछ भी अगर हमें अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो हमें अपनी मिलिट्री को पावरफुल बना लेना चाहिए और जो सत्ता है वो भी मेरे हाथ में आनी चाहिए। तो हैदर अली ने क्या किया, नंजराज जो था वहाँ का सर्वे सर्वा उसको परास्त कर दिया और सत्ता जो है वहाँ की जो राजमाता है उसको सौंपने की बजाय अपने हाथों में ले ली। और उसने क्या किया, हैदर अली ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और हैदराबाद के जो निज़ाम है आसफ खां, उसकी उधर एक तरफ हैदराबाद में देखे तो मृत्यु हो जाती है और नासिर जंग हैदराबाद का निज़ाम बन जाता है। हैदर अली ने नासिर जंग से जो है उसको भी परास्त कर लिया और फिर उसका भी जो पूरा ट्रेजर है वो छीन लेता और करोड़ों रुपए की धनराशि जो है उसके पास आ जाती है। और इस तरह से 1776 में जो है राजा जो है मैसूर के उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली फाइनली जो है अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर लेता है। उसकी जो सैनिक प्रतिभा है, राजनीतिक योग्यता है, व्यक्तिगत परिश्रम जो उसने किया, ये सब उन्हीं चीज़ों का फल था कि उन्हीं टेक्टिक्स की बदौलत ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। अब देखो राजा तो वो बन गया, वहाँ का डी फैक्टो वास्तविक राजा बन गया है। और उसने फिर इस प्रकार से ये सोचना आरम्भ किया कि क्यों ना मैं क्या करूँ अपनी शक्ति को अच्छे से स्थापित करूं। और इसके लिए उसने वहाँ पे एक आर्सेनल, वहाँ पे एक तोपखाना जो है, तोपखाना वहाँ पे उसने स्थापित किया। और इस तरह से वहाँ पे उसने जो फ्रांसीसी अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर पाश्चात्य तकनीक को भी अपनाया और पूरी की पूरी जो सेना है उसको पाश्चात्य तकनीक से ट्रेन किया। तो इस तरह से वहाँ पे एक आधुनिक शस्त्रागार भी उसने 1755 में स्थापित कर दिया। तो उसका जो मिलिट्री पोजीशन है बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाती है, बहुत ही व्यवस्थित और सुदृढ़ हो जाती है। और इसके बाद उसने राजधानी जो मैसूर में थी, राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित कर दिया।
ठीक है। अब इस तरह से जो हैदर अली जो है वो अपनी शक्ति को स्थापित कर लेता है, लेकिन केवल मैसूर दक्षिण भारत में केवल मराठा ये हैदर अली ही नहीं या वडियार वंश ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे एक चतुर्कोणीय शक्तियों के बीच में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए जाते थे। चतुर्कोण वर्ण कौन है ये? क्वाड्रेंगुलर पावर्स कौन सी हैं? एक तरफ है निज़ाम हैदराबाद का, एक तरफ मराठे हैं, दूसरी तरफ तीसरी तरफ मैसूर के अंदर हैदर अली और चौथी तरफ अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं। तो इन सब के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष है अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। हैदर अली जब बन जाता है नया रूलर तो उसने वहाँ पे हॉसकोट, डोड, बेलापुर, सेरा, बेदनूर आदि और जो दूसरे जो दक्षिण भारत के जो पॉलीगर्स थे उन सबको अपने अधीन कर लिया और इस तरह से अपनी शक्ति को संगठित करने का में वो सफल रहा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन विद मराठास, क्योंकि आपके हैदर अली के ऑपोजिट जो दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी उनमें एक थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दूसरे थे मराठास, ठीक है। मराठा जो हैं उन्होंने हैदर अली को उस समय, देखिए 1764 की बात करें तो उस समय जो मराठा वो हैं पेशवा, उनके नेतृत्व में मराठा आक्रमण होते हैं हैदर अली पर, और 1764, 1766, 1771 इन सभी आक्रमणों में, क्योंकि निज़ाम से कोई या अंग्रेज़ों से कोई हैदर अली के पास नहीं है किसी प्रकार की सहायता, तो मराठे जीतते जाते हैं और इस तरह से बहुत सारी जो टेरिटरीज़ हैं, जो क्षेत्र हैं हैदर अली के, वो सारे के सारे मराठों के पास चले जाते हैं। लेकिन 1774 ऑनवर्ड्स हैदर अली जो है मराठों की शक्ति को कुचलने में सक्षम हो जाता है और 1774 से 1776 के बीच में उसने बेलारी, चुड़प्पा, बूटी, करनोल और भी जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र की, उन सबको अपने में सम्मिलित कर लिया।